हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल वेरिएबल की, जिनको ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल वेरिएबल्स। देखिए, इन केस ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है कि फर्स्ट वी राइट एक्सटर्नल वेरिएबल्स। देखिए, एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक वेरिएबल से जस्ट कंट्रास्ट में होते हैं, या इनका जो स्कोप होता है दैट इज नॉट कन्फाइंड टू ए सिंगल फंक्शन। जबकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं उनका जो स्कोप होता है वो विद इन दैट फंक्शन कन्फाइंड रहता है। जबकि एक्सटर्नल वेरिएबल के केस में क्या है कि इनका स्कोप जो है वो एक फंक्शन के अंदर कन्फाइंड नहीं होता है। देयर स्कोप एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन थ्रू द रिमाइंडर ऑफ द प्रोग्राम। मतलब इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है वो आपका पॉइंट ऑफ डेफिनेशन से लेकर थ्रू आउट द प्रोग्राम, बाकी का जो भी थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ द प्रोग्राम, ये अपनी वैल्यू स्टोर करता है। हेंस दे यूजुअली स्पैन टू और मोर फंक्शंस एंड ऑफन एन एंटायर प्रोग्राम। तो इसलिए जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं दो या दो से ज़्यादा फंक्शन में, और कभी कभी तो पूरे प्रोग्राम में ही। इसीलिए इनको ग्लोबल वेरिएबल भी, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि इनका जो स्कोप रहता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि सिंस एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर रिकग्नाइज्ड ग्लोबली, they can be accessed from any function that falls within their scope. तो चूंकि इनका इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबली रहता है, मतलब थ्रूआउट द प्रोग्राम रहता है, तो इनको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फंक्शन से जो इनके स्कोप के अंदर आ रहे हों। They retain their assigned values within this scope and therefore an external variable can be assigned a value within one function and this value can be used within another function. तो इसमें जो value हम किसी एक function में global variable को assign कर देंगे वो value दूसरे function में भी वही रहेगी और उसको हम use कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि देखिए, the use of external variable provides a convenient mechanism for transferring information back and forth between function. इसमें क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने से फायदा क्या होता है कि हम मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक f1 फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, और दूसरा f2 बनाया है, ठीक है। तो अगर आपने किसी, मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल a को ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है कि दिस इज ए ग्लोबल वेरिएबल, तो क्या होगा कि a की और ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया और इसके अंदर मान लीजिए हमने वैल्यू असाइन कर दी है 4, तो ये a की वैल्यू जो 4 है ये हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं और यही वैल्यू हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम आपको बता रहे हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ बिटवीन फंक्शन, ठीक है। ये आप ऐसे भी ले सकते हैं, या आपने यहाँ पे a लाए, आप यहाँ से वैल्यू यहाँ पे कर सकते हैं, अब a में आपने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, वापस उस वैल्यू को आप इसमें भेजना चाहें तो यहाँ भेज सकते हैं। तो वी कैन इजली ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ। इन पर्टिकुलर क्या होता है कि वी कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनटू ए फंक्शन विदाउट यूजिंग आर्गुमेंट्स। दिस इज एस्पेशली कन्वीनियंट व्हेन ए फंक्शन रिक्वायर्स न्यूमरस इनपुट डेटा आइटम्स, ठीक है। हालांकि इसमें क्या होता है कि मोर ओवर वी नाउ हैव ए वे टू ट्रांसफर मल्टीपल डेटा आइटम्स आउट ऑफ ए फंक्शन सिंस द रिटर्न स्टेटमेंट कैन रिटर्न ओनली वन डेटा आइटम, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होता है, केवल एक डेटा वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल डेटा वैल्यू रिटर्न करनी है तो आपको ग्लोबल वेरिएबल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि व्हेन वर्किंग विद एक्सटर्नल वेरिएबल्स वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल वेरिएबल्स डेफिनेशंस एंड एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन।
यानी कि आपको ये क्लियर पता होना चाहिए या क्लियर होना चाहिए कि एक्सटर्नल वेरिएबल की इसमें दो चीजें होती, एक हो गया डेफिनेशन और दूसरा हो गया इसका डिक्लेरेशन। ये दो अलग चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। डेफिनेशन में क्या होता है कि an external variable definition is written in the same manner as an ordinary variable declaration. जैसे आप ordinary variable declare करते हैं वैसे ही आप इसको भी define कर देंगे। It must appear outside of and usually before the function that access the external variable. An external variable definition will automatically allocate the required storage space for the external variables within the computer memory. The assignment of initial values can be included within an external variable definition if desired. तो केवल आप define ही नहीं कर सकते हैं, आप external value variable को आपको अगर define करते time ही आपको कोई value assign करनी है तो आप उस value को भी assign कर सकते हैं। अभी जब हम आपको example कराएंगे तो पहले आप theory समझ लीजिए, फिर ये सारी चीजें आपको clear हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है कि इसके लिए जो स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर होता है, इसके लिए स्टोरेज एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर यूज होता है एक्सटर्न, EXTURN। ये हमने देखिए स्टोरेज क्लास वाली वीडियो लेक्चर में आप देखिए, मैंने बताया अभी ऑटो हो गया, एक्सटर्न हो गया, रजिस्टर हो गया, सारे टाइप्स हमने आपको बताए थे स्टोरेज क्लास के। अब इसमें क्या कह रहा था, स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर एक्सटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड इन एन एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन since the external variables will be identified by the location of their definition within the C program. मतलब कि ये जो extern specifier है इसको अगर आप नहीं भी define करेंगे तो भी external variable जो है identify हो जाएगा अपनी location से C program में। हालांकि in reality क्या होता है कि many C compilers forbid the use of extern within an external variable definition. Generally जो है कई compilers में extern word जो है वो छूट जाता है या भूल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए, if a function requires an external variable that has been defined in the program, then the function may access the external variable freely without any special declaration. ठीक, अगर देखिए इसको ध्यान से सुनिए, इफ ए फंक्शन रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल वेरिएबल दैट हैज बीन डिफाइंड अर्लियर इन द प्रोग्राम, अगर वो एक्सटर्नल वेरिएबल प्रोग्राम में पहले डिफाइन किया जा चुका है तो फंक्शन उसको फ्रीली एक्सेस कर लेगा, ठीक। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ द फंक्शन डेफिनेशन प्रीसीड्स द एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन, मतलब फंक्शन पहले आ गया जिसके अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है और एक्सटर्नल वेरिएबल हम उसके बाद डिफाइन कर रहे हैं, देन द फंक्शन मस्ट इंक्लूड ए डिक्लेरेशन फॉर दैट एक्सटर्नल वेरिएबल। इसको फिर से समझिए कि अगर फंक्शन से पहले आपने एक्सटर्नल वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फंक्शन उसको इजिली यूज कर लेगा। लेकिन अगर फंक्शन पहले उसको एक्सेस कर रहा है और अभी तक एक्सटर्नल वेरिएबल डिफाइंड नहीं है तो आपको फंक्शन को यूज कर फंक्शन से पहले आपको एक्सटर्नल वेरिएबल का डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक। द फंक्शन डेफिनेशन विद इन ए लार्ज प्रोग्राम ऑफन इंक्लूड एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, वेदर दे आर नीडेड और नॉट एज ए मैटर ऑफ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कोई आप बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो फंक्शन डेफिनेशन को आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, चाहे उसकी जरूरत हो और चाहे ना हो। ये तो हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन के बारे में, एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन के लिए। तो देखिए, एन एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन मस्ट बिगिन विद द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर एक्सटर्न। जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये एक्सटर्न वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, EXTERN, ठीक है। आपको कोई भी
एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा एक्सटर्नल. द नेम ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल एंड इट्स डेटा टाइप मस्ट एग्री विद द करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन दैट अपीयर्स आउटसाइड द फंक्शन. ठीक है, कि डिक्लेरेशन में जो आपने डेटा टाइप और चीजें ली हुई हैं वेरिएबल के लिए, वही डेटा टाइप जो है यूज करा जाएगा फंक्शन के द्वारा जो उस एक्सटर्नल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है. स्टोरेज स्पेस फॉर एक्सटर्नल वेरिएबल्स विल नॉट बी एलोकेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन. ठीक है, एन एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन कैन नॉट इंक्लूड द असाइनमेंट ऑफ इनिशियल वैल्यूज. ठीक है, ये चीज देखिए आपको ध्यान देने वाली है कि एन एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन कैन नॉट इंक्लूड द असाइनमेंट ऑफ इनिशियल वैल्यूज. दीज डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन एंड एन एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो हमने अभी आपको बताया है, जो थ्योरी पढ़ाई है एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में, इसको अच्छी तरह से ध्यान से इसके नोट्स बना लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो हमने आपको बताया डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप अलग से अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन एंड एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो आई होप कि आपको एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए. और इस पे बेस्ड जो प्रोग्राम है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक प्रोग्राम कराऊंगा, उससे आपको और प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा कि आज के थ्योरी लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू.